हेलो मेरी प्यारी फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप सभी के साथ में हिमाचली चिक बनाने की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। पहले तो हम इस अचार से फेमिलियर नहीं थे, लेकिन रिसेंटली मेरा भाई ना डलहौजी गया था, वहाँ से वो ये अचार लेकर आया था और हमें इतना ज़्यादा पसंद आया ना, तो मैंने सोचा क्यों ना आप सभी के साथ भी ये रेसिपी शेयर की जाए। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो हिमाचली चुक बनाने के लिए हमें चाहिए ढेर सारी हरी मिर्च। यहाँ पर मैंने 1 किलो हरी मिर्च ले ली है। हरी मिर्च को पहले आप अच्छी तरीके से धुल दीजिएगा और ओवरनाइट इसे खुला छोड़ दीजिएगा ताकि इसका जो पूरा पानी है वो सूख जाए। अब क्या करना है, जो मिर्च के डंठल है ना वो हम सारे हटाकर अलग कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने सारी मिर्च के डंठल अलग कर लिए हैं। इस हिमाचली चुक में मिर्च के साथ में हमें चाहिए अदरक और लहसुन। 1 किलो मिर्च के लिए यहाँ पर मैं 200 ग्राम अदरक और 200 ग्राम लहसुन यूज़ करने वाली हूँ। यहाँ पर जो मेरे पास अदरक है इसमें अभी छिलका लगा हुआ है, तो छिलके को हम छील लेंगे उसके बाद यूज़ करेंगे। तो चलिए सारी प्री प्रिपरेशन हो गई है, अब क्या करना है। यहाँ पर मैं ले रही हूँ चॉपर, और चॉपर में हमें सारी चीज़ें ना बिल्कुल महीन चॉप कर लेनी है। ज़्यादा बड़ा बड़ा नहीं रखना है वरना टेस्ट अच्छा नहीं आएगा, और इसका बिल्कुल पेस्ट भी नहीं बनाना है, बस इसके ना हमें बिल्कुल बारीक से चॉप कर लेना है। देखिए मैंने किस तरीके से लहसुन को चॉप किया है, सेम तरीके से हम अदरक को भी चॉप कर लेंगे। अदरक थोड़ा बड़ा बड़ा है तो उसे छोटा छोटा कट करके फिर हम डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने अदरक और लहसुन दोनों को चॉप कर लिया है। देखिए कितना महीन मैंने चॉप किया हुआ है, बिल्कुल ऐसा ही रखना है। अगर बड़े पीस होंगे ना तो वो चुक में अलग से आएंगे, एक साथ सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी तो टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। सेम तरीके से हम हरी मिर्च को भी चॉप कर लेंगे। अब आप लोग कहेंगे क्या हम हरी मिर्च का पेस्ट बनाकर डाल सकते हैं या फिर छोटा छोटा कट करके डाल सकते हैं, वो मज़ा नहीं आएगा। क्योंकि ना चुक पता है क्या होता है, मतलब सारी चीज़ों का मिक्सचर होता है। जैसे कि हम वो आम का छुंदा नहीं खाते हैं जिसमें आम को हम ग्रेट करके बनाते हैं, बिल्कुल वही वाला कंसेप्ट है ये चुक बनाने में। तो यहाँ पर मैंने सारी ही चीज़ें चॉप कर ली हैं, बिल्कुल महीन चॉप की हैं। अब बारी है मसाला तैयार करने की। अब इसका मसाला कैसे बनाना है, एक पैन ले लीजिए। इसमें मैं डाल देती हूँ 1 चम्मच जीरा। 1 चम्मच मतलब 1 चम्मच हीप भर के मैंने जीरा ले लिया है। 1 चम्मच मेथी ले लीजिए, और 2 चम्मच यहाँ पर मैं सौंफ ले रही हूँ। जो हम भरवा मसाला बनाते हैं उसमें हम मोटी सौंफ डालते हैं ना, बस वही वाली सौंफ मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। अब ये तीनों ही चीज़ों को हमें बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम रख के भून लेना है। इन्हें हमें ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है, बस इतना कि इसकी खुशबू अलग से आने लगे। चलिए ये चीज़ें भून चुकी हैं, इसे मैं एक अलग प्लेट में निकाल लेती हूँ। अब सेम पैन में मेरे पास यहाँ पर है राई वाली दाल। अगर आपके पास ये राई वाली दाल नहीं है तो अपना राई भी ले सकते हैं, क्योंकि इसे फाइनली हमें ग्राइंड ही करना है। लेकिन ये इजीली आजकल तो मिल जाती है, बेसिकली अचार में हम ये राई वाली दाल डालते हैं ना तो वो दिखने में भी सुंदर लगता है। तो यहाँ पर मैं 4 चम्मच अगेन हीप भर के ले रही हूँ राई वाली दाल, और इसे भी हमें हल्का सा भूनना है। इसका कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है, अगर कलर चेंज हो गया ना तो सुंदर नहीं दिखेगा। चलिए इसे भी हम प्लेट में निकाल लेते हैं। अब बारी है इन्हें पीसने की। तो इसका हमें बिल्कुल एक महीन पाउडर बना लेना है। देखिए बढ़िया हमारा ये मसाला तैयार है अचार में डालने के लिए। अब हम बना लेते हैं हमारी चुक। चुक बनाने के लिए यहाँ पर मैं एक मोटे तले वाली कढ़ाई ले रही हूँ। अगर आपके पास मोटे तले वाली कढ़ाई नहीं है और आप इजी गो होना चाहते हैं तो अगर आपके पास नॉन स्टिक पैन या कढ़ाई है तो उसमें ले सकते हैं। क्योंकि ना ये बाय द टाइम ये पकती है ना चुक, तो ये कढ़ाई में नीचे चिपकने लगती है। सो फॉर ईजी एक्सेस नॉन स्टिक कढ़ाई ले लीजिएगा, लेकिन मेरे पास ये मोटी कढ़ाई है तो मैं वो ले रही हूँ। इसमें मैं डाल रही हूँ तेल। यहाँ पर हम सरसों का तेल यूज़ करेंगे चुक बनाने के लिए। तो 2 कप जो चाय वाले कप होते हैं ना, बस 2 कप मेजर करके मैंने यहाँ पर तेल ले लिया है। अब गैस की फ्लेम हाई कर दीजिए, और तेल को तब तक आपको पकाना है जब तक इसमें से फ्लेम नहीं आ जाती, क्योंकि तेल में से हमें कच्चापन हटाना है। देखिए तेल का कलर थोड़ा चेंज हो गया है, तो अब गैस बंद कर दीजिए, और फ्लेम्स भी आने लगी है तेल से। बस गैस बंद करने के बाद 2-3 मिनट बाद फिर हम इसमें चीज़ें डालेंगे, वरना एकदम से चीज़ें डालेंगे ना तो ना चीज़ें बहुत ही जल्दी जल जाएंगी, क्योंकि तेल का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हाई है। अब इसमें मैं डाल देती हूँ 1 चम्मच जीरा,
एक चम्मच राई और एक चम्मच में सौंफ डाल रही हूँ। सौंफ का जब बाइट आएगा ना तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। बस ये तीनों चीज़ें जब थोड़ा स्प्लटर करने लगे तो इसमें हम डाल देते हैं चीज़ें जो हमने चॉप करके रखी हुई हैं। सबसे पहले इसमें मैं अदरक और लहसुन डाल दूँगी। अदरक और लहसुन को सबसे पहले हम हल्का सा भून लेंगे करीबन 2 से 3 मिनट के लिए। आप देखेंगे जैसे ही इसमें हमने अदरक और लहसुन डाला ना तो इसमें से ना सारा तेल अदरक और लहसुन ने पी लिया है। इसमें ना मैं हल्दी पहले डालना भूल गई थी, तो अब क्या करेंगे, अदरक और लहसुन को थोड़ा साइड में कीजिए, तेल बीच में इकट्ठा हो गया है, अब उस गरम तेल में हम हल्दी डाल देते हैं। तो एक चम्मच मैंने हल्दी डाल दी है और एक चम्मच धनिया पाउडर डाल दीजिए, 4 चम्मच सफ़ेद नमक डाल दीजिए और 1 चम्मच काला नमक इसमें हम डालेंगे, और इस चुक में सारे ही फ्लेवर्स को बैलेंस करने के लिए 2 चम्मच चीनी हम डालेंगे। चीनी के कारण मिठास नहीं आएगा लेकिन सारे ही फ्लेवर्स जो हैं इसमें खट्टा है, तीखा है, थोड़ा सा कड़वाहट है, सारी ही चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी तो ये चुक का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा शानदार बनकर निकलता है। अब बस सारे ही मसालों को अदरक और लहसुन के साथ मिक्स कीजिए, करीबन 2 से 3 मिनट के लिए इसे पकाइए और उसके बाद इसमें हम डाल देते हैं हरी मिर्च जो कि हमने चॉप करके रखी है। अब इसे ना हमें आधा घंटे के लिए पकाना है तो गैस की फ्लेम बिल्कुल लो कर दीजिए और लो फ्लेम पे इसे छोड़ दीजिए। छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल छोड़ कर भूल गए, बीच बीच में चलाते जाइएगा वरना ये नीचे तले में ना चिपकता जाएगा। इसे पकाते टाइम ना इसे हमें ढकना नहीं है, अगर आप ढक देंगे तो मिर्च वाला हरा रंग ना ब्राउन में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर ये चुक दिखने में अच्छी नहीं लगेगी, तो इसे खुले ही पकने दीजिएगा। करीबन 10 मिनट जब हो जाए तो इसमें आप डाल दीजिए 1 छोटी कटोरी इमली का पल्प। इमली को आपको गर्म पानी में भिगो देना है, फिर उसे क्रश करके उसका पल्प को छान लीजिएगा, बस वही चीज़ आपको यहाँ पर यूज़ करनी है। इसी के साथ में जो हमने मसाला भूनकर पीस के तैयार किया था ना वो भी हम इसमें पूरा ही डाल देंगे, और साथ में इसमें हम डालेंगे विनेगर। विनेगर डालना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये चुक ना तीखी और खट्टी अच्छी लगती है, तो इसमें मैं करीबन 3 कप विनेगर डाल रही हूँ जो कि अराउंड 300 से 350 ग्राम होता है। अच्छे खासे क्वांटिटी में विनेगर इसमें जाता है और विनेगर डालने से ना इसका लाइफ टाइम भी इंक्रीज़ हो जाता है और ये सालों साल तक ख़राब भी नहीं होता है, वैसे सालों साल तक चलेगा भी नहीं, आप डेली ही इतना ज़्यादा खाएंगे ये। अब बस सारी चीज़ों को मिक्स कीजिए। इस टाइम पे ना नमक इसमें हमें थोड़ा सा कम लग रहा है क्योंकि जितना आप विनेगर डालते जाएंगे ना उतना कम इसमें आपको नमक लगता जाएगा, तो यहाँ पर मैं 4 चम्मच नमक और डाल रही हूँ। नमक डालने के बाद अगेन इसे मिक्स कीजिए, अच्छी देर तक पकाइए। जब टोटल आधा घंटा हो जाए ना इसे पकते हुए तब आप गैस की फ्लेम बंद कर दीजिए, और जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाए इसे एक एयरटाइट कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं। प्रेफरेबली अगर आपके पास किसी कांच का कंटेनर है तो उसमें स्टोर कीजिएगा, वरना आप हाई क्वालिटी के प्लास्टिक कंटेनर में भी इसे स्टोर कर सकते हैं। देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है ना। मुझे उम्मीद है कि आपको ये हिमाचली चुक की रेसिपी अच्छी लगी होगी, मेरी तो वन ऑफ द फेवरेट हो गई है। एक बार ये ट्राई कीजिएगा फिर बताइएगा कि आपकी भी फेवरेट हुई कि नहीं हुई। उम्मीद है रेसिपी पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।